स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और ये है हमारी एक और पॉपुलर लिस्ट टॉप 5 फोन जिनको आप ले सकते हैं 25,000 से 30,000 रुपए के बजट में इस महीने। इस लिस्ट में हमारे पास काफी जबरदस्त पॉपुलर डिवाइसेस आते हैं जिनके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मतलब पॉजिटिव चीजें भी बताऊंगी, सारी नेगेटिव चीजें भी बताऊंगी। क्या होता है कि कई लोगों को फोन में कुछ चीजें अच्छी लगती है, कईयों को कैमरे वाला डिवाइस चाहिए, कईयों को स्टाइलिश डिवाइस चाहिए, कईयों को परफॉर्मेंस वाला गेमिंग डिवाइस चाहिए, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और कोई भी फोन हमारा परफेक्ट नहीं होता। किसी फोन में कुछ अच्छा है, किसी फोन में कुछ अच्छा है और कुछ चीजें खराब भी है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये जो हमारे टॉप 5 फोन है इनके बारे में सब कुछ बताऊंगी, मतलब क्या क्या हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अगर आप इन फोन्स को खरीदते हैं। साथ ही एक और चीज, ये जो मैं आपको लिस्ट बताती हूँ इनमें प्राइसेस जो बताती हूँ प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, मतलब हमारे पास कुछ फोन्स होते हैं जिनके ऊपर लगातार ऑफर्स आती रहती है, चलती रहती है, तो जो उनका ऑफर वाला प्राइस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कई बार होता है जैसे अभी लास्ट वीडियो मैंने जो आपको बताया था बेस्ट फोन 25,000 रुपए के बजट में, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे डिवाइस आया उसके अंदर प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब उसकी ऑफर हट गई तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, तो काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया। मेरे हिसाब से आप अगर उस फोन को खरीदना चाहते हैं तो थोड़े 2-4 दिन रुक जाओ, अभी उस पर दोबारा ऑफर आ जाएगी, वो ऑफर में मिलता ही रहता है, तभी मैंने उसको वो प्राइस में ही आपको बताया था। ऑफर का वेट जरूर करें ताकि आपका फायदा हो सके। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ पे सबसे पहले पांचवें पोजीशन पर आता है हमारे पास ओप्पो की तरफ से 5G डिवाइस जो कि है हमारा ओप्पो रेनो 6। ये जो हमारा डिवाइस है सबसे पहले बिल्ड के हिसाब से मुझे ये डिवाइस काफी अच्छा लगा, मतलब ओप्पो रेनो 6 प्रो जो आया उसमें भी इतना सॉलिड बिल्ड हमें नहीं मिलती जो यहाँ पे मिल जाती है। इस डिवाइस के अंदर हमें ग्लास बॉडी के साथ मेटल फ्रेमिंग मिलती है और जो उसका डिजाइन है, जो लुक है, वो एक्चुअल में आईफोन सीरीज जैसी है, 12 सीरीज जैसी बॉक्सी लुक आपको मिल। साथ ही डिवाइस के बैक साइड में यहाँ मेरे पास ब्लैक कलर है, प्यारी ग्लिटरी मैट फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसमें डिवाइस के अंदर एक अलग ही शिमरी इफेक्ट आ रहा है और हाथ में होल्ड करा हुआ डिवाइस काफी स्टाइलिश लगेगा, एक हाथ से आप इसको इजीली होल्ड करके यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर जिसका एंटूटू स्कोर आता है हमारा 4,22,000। इसके साथ आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है। डिवाइस के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमें स्टोरेज मिल रही है वो थोड़ी सी कम है, उसकी वजह से आपको इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस नहीं मिलती जो इस बजट के बाकी डिवाइसेस के अंदर आपको मिल जाती है, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूं तो हल्का सा हमारा ये डिवाइस कम है। इसके साथ वैसे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, यहाँ पे मुझे लगता था कि 120Hz का रिफ्रेश रेट हमें अगर मिलना चाहिए इस बजट के हिसाब से, लेकिन आपको सिर्फ 90 ही मिलता है। लेकिन डिस्प्ले हमारा काफी अच्छा है, आपको ब्राइट डिस्प्ले मिलता है अच्छे कलर्स के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं AMOLED पैनल में मिलता है हमें फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ 6.43 इंच का डिस्प्ले। डिवाइस के अंदर आप कंटेंट को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेंगे, साथ ही आपको 5G सपोर्ट भी मिल जाता है डिवाइस के अंदर, वो भी 13 बैंड्स में। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब इस पूरे बजट में सबसे ज्यादा बैंड्स में यहीं पे आपको 5G सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ डिवाइस के अगर कैमरास की मैं बात करूं, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 का हमारा वाइड एंगल है, 2 का हमारा मैक्रो शॉट है और एक्चुअल में देखा जाए तो कैमरा हमारा एवरेज ही लगेगा आपको, मतलब बैक वाला जो कैमरा उसके अंदर आपको उतनी बढ़िया पिक्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, मतलब ओमनी विजन का हमारा ये जो सेंसर मिलता है, यहाँ मुझे लगता है कि सैमसंग का या सोनी का हमें सेंसर मिलना चाहिए था जिसमें थोड़ा सा आपको और बेटर क्वालिटी मिल जाती, लेकिन सेल्फी कैमरा हमारा काफी अच्छा है, वो है हमारा 32 मेगापिक्सल का सोनी के सेंसर के साथ जिसके अंदर आपकी काफी अच्छी डिटेलिंग आती है, जिसके अंदर आपकी एज डिटेक्शन अच्छा कैप्चर करता है और आपकी स्किन टोन को भी काफी अच्छे से मेंटेन करता है। इसके साथ इस डिवाइस की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 4300mAh की आपको बैटरी मिल जाती है जो ये नॉर्मल यूजेज में तो आपका एक दिन आराम से निकाल देगी, अगर आप गेमिंग करते हैं, ज्यादा गेमिंग करते हैं तो आपको डिवाइस को दोबारा चार्ज करना पड़ेगा और चार्जिंग के लिए आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे 65W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, तो आप डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर लेंगे। सो ये रहा हमारा ओप्पो रेनो 6 जो कि आपको 30,000 रुपए के प्राइस में मिल जाता है डिवाइस। अब इसके बाद नंबर 4th पोजीशन पर आता है हमारे पास सेल्फी किंग, मतलब इस बजट का या इससे ऊपर के बजट का बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइस जो कि काफी स्टाइलिश डिवाइस है। वैसे ये डिवाइस हमारा थोड़ा सा पुराना है, मतलब थोड़ा अब इसका नया वर्जन आने वाला है, आई होप कि उसमें भी हमें नया सेल्फी कैमरा ऐसा वाला ही मिले, लेकिन ये जो हमारा डिवाइस है अभी भी देखा जाए तो सेल्फी किंग है। डिवाइस है हमारा वीवो की तरफ से V20 Pro जिसके अंदर आपको मिलता है 44+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मोड्स आते हैं, आई ऑटो फोकस आता है, आप अपनी बहुत सारी डिफरेंट सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो बैक कैमरा मिलता है वो भी हमारा बेस्ट है इस रेंज के अंदर, मतलब आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके साथ जो
8 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें आपको 8 में ही वाइड मैक्रो और बुके का कॉम्बिनेशन मिलता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो एक्चुअल में बेस्ट आ रहा है क्योंकि आपको 8 का बुके मोड मिल रहा है, 8 का मैक्रो मिल रहा है, 8 का वाइड मिल रहा है, तो आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो हमारी काफी जबरदस्त मिल जाती है। इसके साथ जो हमारे डिवाइस का डिजाइन है काफी लाइट वेट और स्लिम डिवाइस है, ये हमारा ग्लास बॉडी में आता है तो आपको बहुत ही प्रीमियम लगेगा हाथ में होल्ड करने में और बढ़िया लगता है डिवाइस हमारा ओवरऑल देखने में। इसके साथ आपको 5G सपोर्ट जो मिलता है डिवाइस में वो मिलता है 5 बैंड्स में, ये चीज भी मुझे बढ़िया लगी। अब मैं बात करूंगा डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 765G का प्रोसेसर जिसका कि हमारा Antutu स्कोर जो है वो 326,000 के आसपास आता है। अब ये जो हमारा डिवाइस इसके अंदर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आपको बहुत ज्यादा गेमिंग करनी है तो मैं ये डिवाइस आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन नॉर्मल आपके सारे टास्क इस डिवाइस के अंदर आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें आपको बढ़िया ब्राइट लगेगा डिस्प्ले और अच्छी आपको इसके अंदर कलर्स मिल जाएंगे तो अपना कंटेंट भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ डिवाइस की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे हमें 4000 एमएएच की बैटरी मिलती है। नॉर्मल वर्किंग में तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप गेमिंग अगर करते हैं डिवाइस के साथ तो आपको दोबारा इसको चार्ज करना पड़ेगा ही, और आपको डिवाइस के साथ यहाँ पे 33 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। ये जो हमारा डिवाइस आपको 27,000 रुपए के प्राइस में मिल जाता है, आप चाहे तो इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। ये हमारा सबसे स्टाइलिश डिवाइस भी है इस रेंज का। अब इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 3rd पोजीशन पे टाई। हमारे पास दो डिवाइसेस आते हैं और दोनों डिवाइसेस एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब एक डिवाइस जो है हमारा उसके अंदर आपको गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो दूसरा डिवाइस है उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस हमारी ज्यादा बेटर निकल के आती है। मतलब ये है भी दोनों एक ही कंपनी के, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया कंपनी ने, अगर दोनों को एक कर देते तो गेमर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती। लेकिन यहां पे मैं आपको बताने लगी हूं कि दोनों कौन से डिवाइसेस हैं और आप खुद डिसाइड करें कि आपको किसके लिए जाना है। सबसे पहले जो डिवाइस हमारा गेमिंग फीचर्स के साथ आता है उसकी बात करते हैं, वो है हमारा पोको का F3 GT। ये जो हमारा डिवाइस है, सबसे पहले गेमिंग फीचर ही बता देती हूँ, इसके बैक साइड में आपको ये जो हमारा कैमरा रिंग है मॉड्यूल है इसके अंदर LED लाइट इफेक्ट मिलता है, मतलब जब गेम टर्बो ऑन करो या फिर कॉलिंग चार्जिंग के टाइम पे। इसके अलावा यहाँ पे हमें आपको मिल जाते हैं ट्रिगर्स, फिजिकल ट्रिगर्स, जिससे कि आप गेमिंग को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की हम परफॉर्मेंस के बारे में। ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको मिल जाता है MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर, जिसका कि Antutu स्कोर आप देख सकते हैं हमारा अप्रोक्सीमेटली 6 लाख आया है, और आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X की रैम मिल जाती है डिवाइस के अंदर, साथ ही आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो आपको अच्छी लगेगी परफॉर्मेंस वैसे देखा जाए डिवाइस के अंदर। हालांकि जो दूसरा फोन मैं आपको बताऊंगी उसके अंदर और तगड़ी परफॉर्मेंस है, लेकिन इसके अंदर भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिलती है, आप गेमिंग को एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के बारे में तो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है रेजोल्यूशन के साथ 6.67 इंच का, उसके साथ जिसके अंदर आपको बढ़िया कलर्स, बढ़िया ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिलती है डिवाइस के अंदर, साथ ही 5065 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, मतलब बड़ी बैटरी है ताकि आप पूरा दिन डिवाइस को भी अगर यूज करते हैं तो वो टेंशन की बात ही नहीं। इसके साथ डिवाइस के अंदर चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको मिलता है 67 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि डिवाइस को हमारे काफी जल्दी चार्ज भी कर देगा। इसके साथ डिवाइस के डिजाइन में आपको ग्लास मेटल बॉडी मिलती है, मतलब ग्लास बैक है, मेटल फ्रेमिंग है, आपको डिवाइस हाथ में होल्ड करने में सॉलिड फील देगा। ग्रे कलर में डिवाइस हमें जो बढ़िया ग्राफिक्स के साथ मिल रहा है तो गेमर्स वाली फील आपको इस डिवाइस के अंदर बढ़िया वाली आ जाएगी। इसके साथ कैमरास की अगर बात करो तो हालांकि कैमरास मुझे यहाँ पे उतने बढ़िया नहीं लगे, मतलब एवरेज कैमरास मैं इसको कहूंगी बजट के हिसाब से, थोड़ा एक्सपोजर मेंटेन करने में कैमरा हमारा स्ट्रगल कर रहा है। मतलब अगर मैं सन में पिक्स लूंगी तो सन के सामने खड़े होके तो उस टाइम पे पिक्स में मेरे को ये काफी ज्यादा बर्न कर रहा है स्किन को, और अगर मैं शेडो एरिया में पिक्स लेती हूँ तो वहां पे स्किन को डार्क कर रहा है। वैसे सेटअप आप देख सकते हैं कि हमें 64+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। सेटअप के अंदर देखा जाए तो आपको डेप्थ नहीं मिलता, आपको इसमें टेलीफोटो नहीं मिलता, और 16 का हमारा सेल्फी कैमरा है उसके अंदर भी एक्सपोजर मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है और उतना बढ़िया एज डिटेक्शन मुझे यहाँ पे नहीं लगा। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 27,000 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस आपको मिल जाता है। अब ये हो गया हमारा पोको F3 GT, और जो दूसरा डिवाइस आता है जिसके अंदर आपको इससे और बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है वो है हमारा Xiaomi की तरफ से Mi 11X।
और इस डिवाइस के अंदर आपको 5G सपोर्ट मिलता है, दोनों में 5G सपोर्ट मिलता है, लेकिन सिर्फ दो ही बैंड्स में मिलता है, N78, N77। तो ये चीज याद रखिएगा अगर आप इन फोन को खरीदते हैं। अब बात कर लेते हैं 11X की हम परफॉर्मेंस के बारे में। ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका हमारा एंटूटू स्कोर जो है 6,82,000 आता है। मतलब आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इस डिवाइस के अंदर ज्यादा बेटर मिलेगी। UFS 3.1 की स्टोरेज है, LPDDR5 की रैम है, आप इसके अंदर कोई भी काम करते हैं आपको उसके अंदर बढ़िया इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलती है। 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ एनिमेशन और ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साथ ही हमारा AMOLED डिस्प्ले है 6.67 इंच का पंच होल डिजाइन में, जिसमें आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। तो डिस्प्ले में आप कंटेंट भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसका डिस्प्ले हमारा काफी ब्राइट है, मतलब 1300 निट्स की हमारे इसके अंदर ब्राइटनेस मिल जाती है, तो आप इसको सनलाइट में भी मजे से यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में भी डिवाइस हमारा बढ़िया हो गया। इसके अंदर डिवाइस के अंदर हमारे पास ग्लास बॉडी आती है, हालांकि इसके अंदर हमारे पास मिरर फिनिश है, तो अगर आप बिना कवर के इसको यूज करते हैं तो ये हमारा फिंगरप्रिंट मैग्नेट बन जाता है और बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स आएंगे, क्लीन करते रह जाओगे। तो बैक केस जो मिलता है आपको बॉक्स के अंदर वो लगा के रखें। उसके अंदर लुक में वैसे देखा जाए तो डिवाइस हमारा प्रीमियम लगता है, देखने में स्टाइलिश लगता है। इसके साथ अगर मैं कैमरास की बात करूं तो इसके कैमरा भी मुझे एक्चुअल में देखा जाए तो ज्यादा बढ़िया नहीं लगा, एवरेज ही लगा। इसमें आपको 48 वाला कैमरा सेटअप मिलता है बैक में ट्रिपल वाला, और फ्रंट में है हमारा 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे जो कैमरा है उसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैंने सैंपल्स लिए थे, फ्रंट से भी बैक से भी। इसमें बस यही दिक्कत है कि जो बैकग्राउंड में अगर आपके लाइट है तो वहां पे एक्सपोजर मेंटेन करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन ओवरऑल पिक्स हमारी काफी ठीक आई है। और अब मैं बात करूं अगर इस डिवाइस के प्राइस के बारे में तो 28,000 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं नंबर सेकंड पोजीशन पे। नंबर सेकंड पोजीशन पे आता है हमारे पास iQOO की तरफ से iQOO 7। पहले जरूरी चीज बता देती हूँ कि आपको 5G सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन सिर्फ सिंगल बैंड में मिलता है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा अगर आप इसको खरीदते हैं तो। अब बात कर लेते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। अगर Qualcomm Snapdragon का 870 प्रोसेसर, उसके साथ UFS 3.1 की स्टोरेज, एक तो स्कोर आता है हमारा 7,07,000, आपको डिवाइस के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, और आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है डिस्प्ले के अंदर, तो बढ़िया एनिमेशन मिलते हैं, मतलब गेमिंग को आप काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे डिवाइस के अंदर। और डिस्प्ले भी हमारा काफी ब्राइट कलरफुल है, सनलाइट में यूज करना हो या फिर नॉर्मली बैठ के कंटेंट एंजॉय करना हो, आपको मिल जाता है काफी बढ़िया कलर्स के साथ AMOLED डिस्प्ले 6.62 इंच के साइज के साथ, जिसके अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 4400mAh की बैटरी आपको मिल जाती है डिवाइस के अंदर, और उसके साथ 66W का फास्ट चार्जर मिलता है बॉक्स के साथ। नॉर्मली यूज करने में एक दिन डिवाइस आपका निकाल देगा, और उसके साथ डिवाइस के अंदर चार्जिंग आपको काफी फास्ट मिलती है, तो फटाफट से आप डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। कैमरास की मैं बात करूं तो यहाँ पे डिवाइस के अंदर आप देख सकते हैं सेटअप जो हमें मिलता है उसकी इमेज प्रोसेसिंग हमारी काफी ठीक आ जाती है। मतलब मेरे हिसाब से वैसे तो जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, उसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था, लेकिन अभी बजट के हिसाब से हम इसको ओके कह सकते हैं। आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है बैक में, उसके साथ 13 का मिलता है अल्ट्रा वाइड और मैक्रो, और साथ ही 2 मेगापिक्सल का है हमारा मोनो लेंस, साथ ही 16 मेगापिक्सल का है हमारा सेल्फी कैमरा। ओके ओके कह सकते हैं आप फ्रंट एंड बैक कैमरा के यहाँ पे हमारे सैंपल्स को। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाती है ग्लास बॉडी, जिसके अंदर डिवाइस आपको प्रीमियम लगेगा हाथ में होल्ड करने में ही, सॉलिड भी लगेगा, साथ ही इसके अंदर हमारे पास जो ये डुअल कलर इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से डिवाइस के अंदर काफी बढ़िया लुक नजर आ रही है। 209g का अप्रोक्सीमेटली वेट है हमारे इस डिवाइस का, तो आप एक हाथ से इसको इजिली होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एजेस इसके हमारे कर्व्ड है। सो इस डिवाइस के अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 30,000 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस आपको मिल जाता है। सो ये तो हो गए हमारे सारे डिवाइसेस। अब बात आती है नंबर फर्स्ट पोजीशन के बारे में। नंबर फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास आता है इस रेंज का काफी पॉपुलर डिवाइस। मतलब अभी तक मैंने जो आपको डिवाइसेस के बारे में बताया उनके अंदर ये था कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है तो आपको कैमरा अच्छा नहीं मिल रहा, और अगर आपको कैमरा अच्छा मिलता है तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही, मतलब एक बैलेंस नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे जो हमारे नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आता है डिवाइस, ये हमारा बैलेंस डिवाइस है, जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस और कैमरा का कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाता है। डिवाइस है हमारा OnePlus की तरह से OnePlus Nord 2। इस डिवाइस में अगर सबसे पहले मैं बात करूं परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको मिल जाता है Dimensity 1200 का प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफी ठीक मिल जाती है। मतलब जो हमारा Snapdragon 870 है उससे तो कम है, लेकिन आपको काफी ठीक परफॉर्मेंस मिल रही है। UFS 3.1 की आपको स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X की रैम मिलती है, एंटूटू स्कोर की अगर बात करूं तो 5,64,000 आ जाता है। हालांकि इसके साथ जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है वो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ही कम
कमी इसके अंदर है डिवाइस के अंदर कि रिफ्रेश रेट हमें 120 हर्ट्ज का मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको डिवाइस परफॉर्मेंस वाइज अच्छा लगेगा। और उसके साथ डिस्प्ले भी हमारा काफी ब्राइट है, आपको फ्लूइडिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ 6.43 इंच के हमारे साइज में। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको काफी सारे फीचर्स भी मिलते हैं और डिस्प्ले के कलर्स बढ़िया आएंगे। आपको इसके अंदर सनलाइट में यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ब्राइटनेस भी हमारे डिस्प्ले की काफी अच्छी आ रही है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो डिवाइस के अंदर आपको मिल जाती है 4500 mAh की बैटरी और उसके साथ 65 वॉट की आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग, तो डिवाइस हमारा फटाफट से चार्ज भी हो जाएगा। अब कैमरा की अगर मैं बात करूं तो बैक में जो मेन कैमरा है वो एक्चुअल में मुझे इसका काफी अच्छा लगा। सेटअप देखा जाए तो हालांकि वो मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, मतलब सेटअप में कमी है। आपको यहाँ पे मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेन कैमरा में आपको काफी अच्छे डिटेलिंग, काफी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, अच्छे डायनेमिक रेंज मिलती है। उसके साथ आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मोनोलेंस मिलता है, वो तो हमारा वेस्ट है। यहाँ मुझे लगता है कि सेटअप के अंदर हमें डेप्थ सेंसर वाला कैमरा मिलना चाहिए था, उसके साथ हमें टेली या कुछ मैक्रो कॉम्बिनेशन मिलता तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन सेल्फी कैमरा की अगर बात करूं तो हमें 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, मतलब जो हमारा नॉर्ड 1 में डुअल कैमरा सेटअप था अगर वो मिलता तो बढ़िया रहता, लेकिन ये 32 वाला भी हमारा काफी अच्छी पिक्स लेता है। आप देख सकते हैं डिटेलिंग काफी अच्छी आ रही है, कलर्स अच्छे कैप्चर करता है और स्किन टोन को भी हमारे काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है कैमरा। इसके साथ डिवाइस के बिल्ड की अगर बात करूं तो इसके अंदर हमें ग्लास बॉडी मिलती है, बैक साइड में मैट फिनिश है, जिसमें मुझे बहुत ही सोबर लुक लगी इस डिवाइस की। आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। और डिवाइस हाथ में आप पूरी तरह एक हाथ से होल्ड करके यूज कर सकते हैं, एजेस उसके कर्व्ड है। हमारे साइज देखा जाए तो एप्रोप्रिएट साइज है और आप अगर इस डिवाइस को लेना चाहें तो आपको 30,000 रुपए वाला प्राइस ही मिलेगा, मतलब जो 28 वाला है वो अवेलेबल अभी तक तो हुआ नहीं, पता नहीं कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन 30 वाला ही आपको ये डिवाइस अभी मिल रहा है। आप उसके लिए जा सकते हैं अगर आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए कैमरे और परफॉर्मेंस का। सो गाइस ये थे हमारे टॉप 5 फोन जिनके लिए आप जा सकते हैं इस बजट के अंदर। बाकी मैं आपके लिए और भी लिस्टें लेकर आऊंगी, तो फटाफट से चैनल को करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर करें प्रेस।